बांका के नवटोलिया मदरसा ब्लास्ट को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। मदरसा ब्लास्ट में एक मौलवी के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। मौलवी की लाश पुलिस ने बरामद कर ली है। इस कांड में चार अन्य लोगों के भी घायल होने की चर्चा इलाके में है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इधर ब्लास्ट में ध्वस्त हुए मदरसे के मलबे में भी कुछ लाशों के दबे होने की चर्चा है, लेकिन इसकी भी कहीं से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मालूम हो कि मंगलवार को सवेरे करीब 8 बजे बांका टाउन थाना क्षेत्र के नवटोलिया में स्थित मस्जिद परिसर में मदरसे में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे पूरा मदरसा ध्वस्त होकर जमींदोज हो गया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पाकर कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और इलाके की नाकेबंदी कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस बात की चर्चा सुबह से ही थी कि मदरसे में ब्लास्ट के दौरान मौलवी सहित कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें फौरन यहां से हटा दिया गया। एक चर्चा के मुताबिक यह भी कहा गया है कि मौलवी की मौत हो चुकी है, लेकिन इस बात की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हो रही थी। एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने कहा कि पूरी जांच और पुख्ता सबूत के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल मामले की फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के सहारे जांच की जा रही है। इसी बीच अपराह्न करीब 5 बजे के आसपास एक अज्ञात कार नवटोलिया गांव पहुंचती है और जल्दबाजी में एक लाश उतारकर फरार हो जाती है। कुछ गांव वालों ने भी कार को जल्दबाजी में गांव से निकल जाने को कहा। कार से जो लाश उतारी गई है उसकी पहचान नवटोलिया मदरसे के मौलवी मोहम्मद अब्दुल सत्तार मोबीन के रूप में की गई है, जो झारखंड के सारठ का रहने वाला था। वह नवटोलिया मदरसे में पढ़ाने के साथ साथ मस्जिद का मुअज्जिन भी था। बांका से कुंदन भगत की रिपोर्ट। ए बाबू जरा हटो तो, आए आगे हटो। पाल जी हटो 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 हटो।